हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको एक महीना पहले ही बता दिया था कि यूपीपीएससीएल का एग्ज़ाम जो है सेकेंड से लेकर थर्ड वीक ऑफ मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ पोस्ट का यहाँ पे यूपीपीएससीएल का एग्ज़ाम आपका शुरू हो चुका है। आज जो है फाइनली TG2 का एडमिट कार्ड आपका आउट हो चुका है, इसलिए आप डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले RO का एडमिट कार्ड आ चुका है 2 दिन पहले ही, तो आप लोग इजीली जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारी साइट पे भी जाके जो है आप इजीली यहाँ पे लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, इजीली आप वहाँ से जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए एग्ज़ाम जो है आपका TG2 का टोटल चार दिन में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें पर डे जो है 2 शिफ्ट में आपका कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, यानी टोटल जो है 8 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, वैसे तो दो दो शिफ्ट में हो सकता था, होने का तो 1 सीट में भी हो सकता था, उतनी कैपेसिटी है TCS की। अब जो भी हो तो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम देखिएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो इससे बचने के लिए देखिए, अगर पेपर का लेवल हार्ड आता है तो इजीली आपको मतलब रिस्क नहीं लेना है, बस इतना माइंड में रखिएगा, रिस्क नहीं लेना है। जितना भी क्वेश्चन आता है इजीली आप अटेंड करिएगा, निगेटिव मार्किंग आपको नहीं करना है। ठीक है, मेन आपका गेम जो है वो उसी में है, आप कम से कम निगेटिव मार्किंग करिएगा, तभी आप जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तब भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, जब आप निगेटिव मार्किंग कम से कम करेंगे तो। ठीक है, तो TG2 का आप इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इससे पहले देखिए, आपका 3 या 4 दिन पहले जो है ये आपका एक इन्फॉर्मेशन मिलता है इंटरनल डिपार्टमेंट की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर। तो यहाँ पे पूरा आपका दिया हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, अभी कुछ ही पोस्ट का आया हुआ है, जैसे कि अकाउंट ऑफिसर का है आपका 15 मार्च को है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर आपका 15 मार्च को है। ठीक है, टेक्नीशियन का आपका 19, 20, 27 और 28 मार्च को यहाँ पे कंडक्ट होगा, और आपके यहाँ पे जो JEE का है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का, वो 25 को है भाई। ठीक है, अभी इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज है JEE इलेक्ट्रिकल को लेके, तो JEE इलेक्ट्रिकल का जो है आपका 15 अप्रैल से पहले, आपका बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 15 अप्रैल से पहले कंडक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल से पहले आपका हो जाएगा। तो अभी भी मान के चल सकते हैं कि आपके पास 1 महीने का टाइम है। ठीक है, तो आप अपना, जो लोग अभी पढ़ाई मतलब बहुत ज़्यादा स्लो था, तो इसलिए आप फास्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 महीना और बचा हुआ है और 15 अप्रैल से पहले आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा और डिले होगा, ऐसा कुछ नहीं है, 15 अप्रैल से पहले आ जाएगा आपका, क्योंकि 3-4 पोस्ट का अभी देखो शेड्यूल आ गया है ना, 2-3 पोस्ट और अभी बचा हुआ है, तो उसका भी एक ही साथ शेड्यूल बनेगा 3 से 4 दिन में, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये 3-4 दिन का पूरा शेड्यूल है, उसी तरीके वो भी बनेगा, तो फर्स्ट या सेकेंड वीक के अप्रॉक्स जो है अप्रैल में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब इजली आप लोग जो भी मतलब आप इजली ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन और टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपका, लास्ट टाइम में जितना आप टेस्ट दे सकते हो, और रिवीजन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो। और एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको नॉर्मलाइजेशन से बचना है तो निगेटिव मार्किंग कम से कम करिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन में आपको रिस्क लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। रीज़न क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि सीटें कम है तो क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करेंगे हम, तो वही उनका कहीं ना कहीं लैगिंग पॉइंट हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन आप उतना ही अटेंड करिए जो आता है। ठीक है, जो दूसरों को नहीं आ, जो आपको नहीं आता है वो दूसरों को भी नहीं आएगा, 80% चांस होता है। लेकिन मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली है उनकी बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो 80-90% मान के चलिए किसी को नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दो जो 2 या 3 साल से लगा हुआ है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो निगेटिव मार्किंग से बचिएगा, क्योंकि बेनिफिट कहीं ना कहीं वही बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपका सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, TG2 वाले बाकी सबका मिल जाएगा, और JEE का भी देखिए अभी हो सकता है कब आउट हो। ठीक है, JEE का भी कुछ आइडिया नहीं है कि कब होगा, लेकिन आई थिंक 20 से 25 मार्च के अप्रॉक्स हो सकता है, या फिर 27-28 मार्च भी हो सकता है, उसी के आसपास जो है आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो 15 अप्रैल से पहले आपका कंडक्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा अब डिले आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था।